हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुल त्यागी। बच्चों, मैं आज आपको एक टॉपिक बता रहा हूँ, जो बेसिकली टॉपिक जो है वैसे आपका नाइन्थ क्लास का है, जिसका नाम है पॉलीनोमियल। नाइन्थ क्लास में एक सेकंड चैप्टर है जो पॉलीनोमियल्स चैप्टर है आपका, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से बेसिक स्टार्ट होता है। इसके बाद हम जब आगे जब तक पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन, पॉलीनोमियल, तो जब तक आप मैथ करेंगे अलजेब्रा में, तब तक आपको ये चैप्टर काम आएगा आपका पॉलीनोमियल। तो बच्चों, ये हमारा टॉपिक जो है ये पॉलीनोमियल टॉपिक है। पॉलीनोमियल्स देखो, सबसे पहले फर्स्टली हम इसके एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ी होगी, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसकी डेफिनेशन हमें क्लियर होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आगे समझते हैं। तो पॉलीनोमियल की डेफिनेशन क्या है, देखो अभी आपने अगर सिंपली हमने कुछ अलजेब्रिक एक्सपेंशन पढ़े होंगे, पहले हमने आपने लिखे हैं कि जो एग्जांपल लिखे रहते हैं, जैसे 2x² प्लस का x प्लस का 1, इसमें पॉलीनोमियल है या नहीं है, तो हम कैसे इसको पहचानेंगे। तो पॉलीनोमियल की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ एक्स, है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ एक्स इज कॉल्ड पॉलीनोमियल। यानी जब भी किसी भी अलजेब्रिक एक्सपेंशन में एक्स की पावर जो होगी ना, जो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी, वही हम पॉलीनोमियल होगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा मैं और आपको बता रहा हूँ कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो इसमें पहली बात आपकी क्या होती है, चलो मैं लिख भी देता हूँ, नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ एक्स इज कॉल्ड पॉलीनोमियल। अब कुछ बच्चों को डाउट ये होता है कि भी इंटीजर है क्या होता है, मैं थोड़ा सा इंटीजर का भी आपको बताता हूँ। एक बार देखो, इंटीजर्स आपने पढ़े हैं, जैसे हम नंबर लाइन पे पढ़ते हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे ऐसे इधर चलते हैं, -1, -2, -3, -4 ये चलते हैं। अब इसमें ये नेगेटिव है और ये हमारे पॉजिटिव है, ठीक है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो नॉन नेगेटिव का सीधा सीधा मतलब आपका ये होगा, यहाँ से यहाँ तक के पॉजिटिव, इधर के जो नंबर होंगे हमारे जब भी एक्स की पावर में होंगे, वो हमारा क्या होगा, पॉलीनोमियल होगा। फॉर एग्जांपल मैंने भी आपको बताया, जैसे हमने ये लिखा हुआ है, अब इसमें x की पावर देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ये तो कॉन्स्टेंट है, तो वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नहीं तो कोई पावर नहीं है इसकी। तो यहाँ पे जो पावर आप देख रहे हैं 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 और 1 क्या है, देखो आपको 2 और 1 इधर मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर 1 और 2, तो ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि हमारे पास x² प्लस का 4x प्लस का 3, यहाँ भी आप देख रहे हैं यहाँ पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमारा पॉजिटिव इंटीजर इधर ही जा रहा है, इंटीजर होना चाहिए, तो ये भी हमारा पॉलीनोमियल है। अगर हम बात करते हैं, यस ये भी पॉलीनोमियल है और यस ये भी पॉलीनोमियल है। अभी एक दूसरा एग्जाम्पल मैं अगर आपको देता हूँ, तो दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने लिखा 2x की पावर 3/2 प्लस का 4x प्लस का 3। अब अगर हम बात यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे 3/2 है, देखो बच्चे वैसे तो यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, बट बात यह है कि इंटीजर होना चाहिए, ये हमारे पास इंटीजर नहीं है, ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है। यहाँ पावर क्या आ गई, फ्रैक्शन में आ गई, तो फ्रैक्शन में पावर होगी वो हमारे डेफिनेशन में नहीं है, इंटीजर पावर होनी चाहिए, तो ये पॉलीनोमियल नहीं है, इसका आंसर नो हो जाएगा। आपको देखने पॉजिटिव है बट ये आपका क्या है, फ्रैक्शन है, इंटीजर नहीं है, तो ये आपका पॉलीनोमियल नहीं है। या एक एग्जाम्पल अगर हम ऐसे लिख दें, 2x का रूट प्लस का 4/x और प्लस 3। अब इसमें अगर हम देखते हैं 2 का रूट, देखो इसमें सिर्फ यही अंतर है, ये हमने पावर की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये रूट में, अगर इसको भी हम सही करके इसको पावर हटा के, मतलब रूट हटा के पावर की फॉर्म में लिखेंगे, तो रूट की पावर 1/2 लिखते हैं, 1/2 का मतलब ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका फ्रैक्शन हो गया, ये भी आपका इंटीजर नहीं है। और अगर इस पर आते हैं आप, अगर इस टाइप में हो किसी क्वेश्चन में, सपोज दैट अगर इसको हम लिखते हैं रियल भी ऊपर लेके लिखते हैं, यानी एक्स की पावर -1 प्लस का 3, जब हम किसी भी पॉलीनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो उसको ऊपर लेके जाएंगे, जब पावर ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस आ जाएगी, पावर नेगेटिव आ गया, तो ये भी क्या हमारा इंटीजर नहीं है। ठीक है, ये मैंने दोनों एक कंबाइन कर दिए, नहीं तो कई बार एग्जाम्पल ऐसे देते हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल की, अगर ऐसे लिख दिया बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं, ये हमने लिख दिया मान ली सपोज दैट, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है बच्चों को पावर हमने प्लस लग रही है, यहाँ प्लस लग रही है, और इसकी पावर 1 है, इसकी 1 है, ये भी इंटीजर लग रहा है, लेकिन जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था वही बात यहाँ पे है कि 4x की पावर -1 प्लस 3x प्लस का 4, तो यहाँ पे जो पावर है अब नेगेटिव हो गई, क्योंकि जब भी पावर को हम लिखते हैं ऊपर ले जाकर लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर ये पावर नेगेटिव होगी तो ये भी पॉलीनोमियल नहीं, ये भी हमारा पॉलीनोमियल नहीं है, इसका आंसर भी आपका क्या है,
नो है। तो इस तरह से हम पॉलीनोमियल को देखते हैं। तो स्टूडेंट ये हमने आपको बताया है व्हाट इज पॉलीनोमियल्स, पॉलीनोमियल्स के बारे में, और ये कुछ आपके एग्जांपल्स हैं पॉलीनोमियल्स के जो हमने आपको दिए। अब इसके बाद हम बताएंगे टाइप ऑफ पॉलीनोमियल्स, पॉलीनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो देखो पॉलीनोमियल्स को क्या है, बेसिकली दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, मैं आपको बताता हूँ। पॉलीनोमियल्स फर्स्ट आपका है बेस ऑफ पावर, बेस ऑफ पावर, एक है बेस ऑफ टर्म, बेस ऑफ टर्म। यानी पॉलीनोमियल्स को दो तरह से क्लासिफाई किया है मेनली, एक तो पावर के बेस, एक आपका टर्म के बेस, यानी बेस ऑफ पावर और बेस ऑफ टर्म। अब बेस ऑफ पावर में जब हम जाते हैं तो बेस ऑफ पावर में मैं आपको बताऊं सबसे पहले क्या होता है। बेस ऑफ पावर में फर्स्ट नंबर का होता है आपका लीनियर पॉलीनोमियल्स, लीनियर लीनियर पॉलीनोमियल्स, सेकेंड नंबर है आपका क्वाड्रिक पॉलीनोमियल्स, क्वाड्रिक पॉलीनोमियल्स, और थर्ड नंबर है आपका क्यूबिक पॉलीनोमियल्स, क्यूबिक पॉलीनोमियल्स, पॉलीनोमियल्स है, और फोर्थ नंबर आपका आता है बायक्वाड्रिक पॉलीनोमियल्स, बायक्वाड्रिक पॉलीनोमियल्स। तो बायक्वाड्रिक पॉलीनोमियल्स, अब मैं आपको बच्चों पॉलीनोमियल्स हम लीनियर क्वाड्रिक क्यूबिक बायक्वाड्रिक इसे एक छोटी इससे पहले मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ आपको। देखो वो क्या होता है डिग्री, वो बात क्या होती है हमारी डिग्री। देखो डिग्री क्या होती है, एक इससे पहले आप डिग्री समझ लो क्योंकि डिग्री की जरूरत पड़ेगी। देखो डिग्री व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल्स, पॉलीनोमियल्स की डिग्री क्या होती है मैं आपको बताऊं। देखो द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलीनोमियल्स, द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलीनोमियल्स कॉल्ड डिग्री, यानी जब द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलीनोमियल्स इज कॉल्ड डिग्री, यानी जिस भी जो भी पॉलीनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है वो हमारी डिग्री होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ, मैं लिखा है 2x की पावर 4 प्लस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4। यहाँ पर देखते हैं हम पावर 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, लेकिन जब हाईएस्ट पावर की बात करते हैं तो हाईएस्ट पावर 4 है। तो हाईएस्ट पावर 4 का मतलब इस पॉलीनोमियल की डिग्री कितनी है, इस पॉलीनोमियल की डिग्री 4 है। तो हम इसकी साइड में लिख देंगे इसकी जो डिग्री है वो हमारी कितनी है, 4 है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं 3x² प्लस का x प्लस का 4। अब सेकेंड एग्जाम्पल हम देख रहे हैं यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है ना, बट हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो उसकी डिग्री कितनी है, 2। तो इसकी डिग्री हमारी 2 हो गई, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। तो मैंने आपको इस पॉलीनोमियल को बताने से पहले आपको डिग्री बताई क्योंकि इसमें डिग्री का आपका यूज होगा। देखो यूज कैसे होगा डिग्री का मैं आपको बताता हूँ। अगर यही बात हम करते हैं, इससे पहले हमने आपको बताया लीनियर पॉलीनोमियल, इसी में आते हैं। सबसे पहले लीनियर पॉलीनोमियल, व्हाट इज लीनियर पॉलीनोमियल। देखो लीनियर नाम से ही पता आपको लग रहा है, लीनियर, लीनियर का मतलब है विच पॉलीनोमियल हैव डिग्री ओनली 1, यानी जिस पॉलीनोमियल की डिग्री 1 होती है वो हमारा लीनियर पॉलीनोमियल होता है। इसका अगर मैं लिख देता हूँ विच पॉलीनोमियल, विच पॉलीनोमियल हैव डिग्री 1, यानी जिस पॉलीनोमियल की डिग्री 1 होती है वो हमारा लीनियर पॉलीनोमियल होता है। फॉर एग्जाम्पल इसका अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो इसका एग्जाम्पल आपका हो गया 2x प्लस का 4 या 3x प्लस का 2 या सिंगल x। देखो 2x प्लस 4 यहाँ पर डिग्री 1 है क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म है, ये वेरिएबल टर्म है, तो डिग्री यहाँ पे 1 है। 3x प्लस 2 यहाँ पर डिग्री क्या है, 1 है, तो ये भी हमारा क्या है, लीनियर है। सिंगल टर्म x है क्योंकि 2 3 से कोई फर्क नहीं है, हमें पावर देखनी है, डिग्री देखनी है, डिग्री, तो डिग्री यहाँ पे कितनी है, 1 डिग्री है, तो ये भी हमारा क्या है, लीनियर पॉलीनोमियल है। तो ये हमारा हो गया लीनियर पॉलीनोमियल, यानी विच पॉलीनोमियल हैव डिग्री 1, जिस भी पॉलीनोमियल की डिग्री 1 होती है वो हमारा क्या होता है, लीनियर पॉलीनोमियल होता है, ये हमारा होता है लीनियर पॉलीनोमियल। इसके बाद हम आपको बताते हैं सेकंड नंबर हमारा क्या है, क्वाड्रिक पॉलीनोमियल। तो देखो क्वाड्रिक पॉलीनोमियल
देखो क्वाड्रिक पॉलीनोमियल ये भी बड़ा आसान है। देखो जिसकी सिंगल डिग्री वन थी वो हमारा क्या था, लीनियर था। क्वाड्रिक में क्या हो जाएगा, जिस पॉलीनोमियल डिग्री दो होती है, जिसकी डिग्री टू होती है वो हमारा क्या क्वाड्रिक पॉलीनोमियल। मैं लिख देता हूँ, विच पॉलीनोमियल, विच पॉलीनोमियल हैव डिग्री टू, जिस पॉलीनोमियल की डिग्री दो होती है वो हमारा क्या होता है क्वाड्रिक पॉलीनोमियल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके एग्जाम्पल देते हैं, हमने किया है 2x² प्लस का x प्लस का 4। देखो यहाँ पे पावर तो 1 और 2 भी है, लेकिन डिग्री हमारी 2 ही है, डिग्री हमारी क्या है 2 है, तो ये क्या है हमारा क्वाड्रिक पॉलीनोमियल है। एक और एग्जाम्पल हम लिखते हैं, हमने लिखा है x² प्लस का 4। x² प्लस 4 में जो हमारे पास यहाँ पर क्या वेरिएबल एक्स है और इसकी हमारी डिग्री कितनी है 2 है, तो एक ही यहाँ पर जैसे पावर एक ही है लेकिन 2 है वही अपने आप में हाइस्ट है, तो ये क्या है हमारा क्वाड्रिक पॉलीनोमियल है। और भी एग्जांपल देख सकते हैं आप, बड़े आसान आसान सिंपल सिंपल से एग्जांपल हैं। जैसे मैंने लिखा 3x² प्लस का 2x प्लस का 9, तो यहाँ पे भी हमारे एक्स की पावर 1 है 2 है, बट यहाँ पे डिग्री कितनी, डिग्री 2 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा क्वाड्रिक पॉलीनोमियल है। इसके बाद हमारे पास आता है क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो क्यूबिक पॉलीनोमियल में अगर हम बात करते हैं, देखो क्यूबिक पॉलीनोमियल में यहाँ पकड़ाते हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल। देखो क्यूबिक पॉलीनोमियल सीधी बात है, क्यूबिक पॉलीनोमियल का मतलब क्या है, जिसकी डिग्री 3 होगी वो हमारा क्यूबिक पॉलीनोमियल होगा। तो हम लिख देंगे उसको विच पॉलीनोमियल, विच पॉलीनोमियल हैव डिग्री, इसको हैव है ये, हैव डिग्री 3, जिस पॉलीनोमियल की डिग्री 3 होती है वो हमारा क्या होता है क्यूबिक पॉलीनोमियल होता है। फॉर एग्जाम्पल इसके अगर हम एग्जाम्पल करते हैं, तो मैं लिखा है x³ प्लस का x² प्लस का 4, तो यहाँ पे डिग्री हम देख रहे हैं, देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो उसकी डिग्री कितनी होगी 3 हो गई। एक और एग्जांपल अगर हम दूसरा लेते हैं, 2x की पावर 3 प्लस का 4x प्लस का 5, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है 3 है, जब यहाँ डिग्री 3 है तो ये हमारा क्या है क्यूबिक पॉलीनोमियल है, तो ये हमारा क्यूबिक पॉलीनोमियल हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा बच गया क्या बायक्वाट्रिक पॉलीनोमियल। देखो बायक्वाट्रिक पॉलीनोमियल क्या होता है, मैं आपको ये बता देता हूँ, ये भी हो जाएगा एक साथ में ही, बायक्वाट्रिक पॉलीनोमियल। बायक्वाट्रिक पॉलीनोमियल देखो जब हमारे पास जिसकी डिग्री, देखो तीन तक हमने क्लासिफाई किया लीनियर क्वाट्रिक क्यूबिक, लेकिन बायक्वाट्रिक में क्या होता है, जिस पॉलीनोमियल की डिग्री 4 या 4 से ज़्यादा, 3 और मोर देन 3, वो सब बायक्वाट्रिक में आते हैं, चाहे 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, सब के काउंट करते हैं हम, सबको हम बायक्वाट्रिक में काउंट करते हैं। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे विच पॉलीनोमियल है वो डिग्री 4 और मोर देन 4 इज कॉल्ड बायक्वाट्रिक, इज कॉल्ड बायक्वाट्रिक पॉलीनोमियल। मैंने आपको बताया है जिसकी डिग्री 4 या 4 से ज्यादा होती है वो हमारे क्या होते हैं बायक्वाट्रिक पॉलीनोमियल होते हैं। एग्जांपल देता हूं मैं इसका भी, आपको समझ आ जाएगा, एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा आपका। एक्स की पावर 4 प्लस का x² प्लस 2, देखो यहाँ पावर कितनी है 4 है, तो हमारा क्या है बायक्वाट्रिक है। अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल और देता हूँ, इसका दूसरा एग्जाम्पल हम करते हैं एक्स की पावर 5 प्लस का 2x प्लस का 3, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे पावर कितनी है 5 है, यहाँ पावर 5 है, ये भी हमारा क्या है बायक्वाट्रिक पॉलीनोमियल है। तो बच्चों ये मैंने आपको बताया बेसिक्स ऑफ पावर, यानी जब हम पॉलीनोमियल को पावर के बेस में हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, ये मैंने आपको बताया लीनियर क्वाट्रिक क्यूबिक बायक्यूबिक बायक्वाट्रिक। इसके बाद हमारा है बेसिस ऑफ टर्म, देखो टर्म के बेस पे हम कैसे क्वालिफाई करते हैं, ये हम आपको बच्चों हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि हम टर्म के बेस कैसे क्वालिफाई करते हैं, अभी थोड़ा टाइम हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको टर्म के बेस कराएंगे। ओके, थैंक यू।